राजस्थान के विप्र कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष महेश शर्मा ने कहा कि राजस्थान सरकार ने हर वर्ग के लिए कई योजनाएं लागू कर रखी है, लेकिन उन योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए आमजन को जागरूक करना आवश्यक है, साथ ही उन योजनाओं का प्रचार प्रसार भी किया जाना आवश्यक है। शर्मा गुरुवार रात को आमेर से जयपुर जाते समय कुछ देर के लिए गढ़ी थोरियान बाईपास स्थित शिव शेखावटी होटल पर ब्यावर रुके, जहाँ पर समाज बंधुओं की ओर से किए गए स्वागत के दौरान अपना संबोधन दे रहे थे। इस अवसर पर शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा कई योजनाएं लागू की गई है, लेकिन उन योजनाओं का लाभ लेने में उसके लिए पात्र लोग रुचि नहीं दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि साइकिल योजना, स्कूटी योजना सहित अन्य योजनाओं के माध्यम से विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जा रहा है। महेश शर्मा ने विप्र कल्याण बोर्ड द्वारा बनाई गई विशेष योजनाओं का भी विस्तार से अवगत कराते हुए मंदिरों में पुजारियों के अधिकार, पंजीयन, मंदिर भूमि कब्जे से राहत दिलाने तथा नए छात्रावास खोलने सहित दर्जनों योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान समाज के लोगों ने शहर के कन्या महाविद्यालय के नाम पंडित ब्रजमोहन शर्मा के नाम पर रखवाने के लिए उनका आभार प्रदर्शित किया। स्वागत करने वालों में रमेश शर्मा, मनोज शर्मा, संजय पाराशर, मनोज शर्मा, शैलेश शर्मा, शंभुदयाल व्यास, महेंद्र शर्मा, मनोज व्यास, संजय पांडे, सत्यकाम दादीज, उमाकांत द्विवेदी, योगेश पंचोली, सीपी अग्निहोत्री, संजय पांडे, पूर्व पार्षद दिनेश शर्मा तथा मनीष व्यास आदि उपस्थित रहे।